और एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं तो यार क्लासेस सारी बंद हो चुकी हैं। हम गौर भी जाना लगभग श्रीनगर खाली होने लग गया है जैसे पिछली बारी लॉकडाउन में हुआ था वैसे। नमस्ते दगड़ियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज है 18 जनवरी 2021। भी मैं कॉलेज में आया हुआ था लेकिन कॉलेज पूरी तरह से बंद हो चुका है। लाइब्रेरी परसों तक खुली हुई थी लेकिन लाइब्रेरी भी बंद हो चुकी है, तो ऐसी कुछ बात है। और अभी आपको कॉलेज के नज़ारे दिखाते हैं कि कॉलेज में कैसा माहौल है। वैसे तो बहुत कम भीड़ है लेकिन असाइनमेंट सबमिट करने वाले आ रखे हैं, तो आपको दिखाते हैं कि कॉलेज में कैसा माहौल है। बंद करने का वो ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ भी 3-4 बीमार हो गए। लाइब्रेरी भी बंद हो गई ना? बंद कर दी है। अच्छा, तो यहाँ सामने असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं लेकिन क्लासेस सारी बंद हो चुकी हैं। तो यार क्लासेस सारी बंद हो चुकी हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होनी थी लेकिन यहाँ भीड़ नहीं है, तो अब देखते हैं, हमें घर जाना पड़ेगा। और यहाँ ऊपर की साइड बहुत सारे फ्लोर हैं लेकिन यहाँ भी सब बंद है। ये हमारा अनु भाई। अनु भाई कैसा लग रहा है? तब एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। तो बहुत बढ़िया लग ही रहा है हर किसी को, क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं से हमें काफ़ी बढ़िया लग रहा है। लेकिन कोरोना और ज़्यादा फैल रहा है तो इस बात का दुख भी है, क्योंकि अब पता नहीं कॉलेज कब खुलते हैं। तो फिलहाल कॉलेज तो यार बंद हो चुके हैं लेकिन अभी हम बस घूम रहे हैं। जो हमारे सब्जेक्ट है तो उनके डिपार्टमेंट में तो हम पूरा घूम रखे हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट है तो उनके डिपार्टमेंट में अभी हम घूम रहे हैं। यहाँ पीछे भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, यहाँ ऊपर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो उन्हीं को अभी हम घूम रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने कॉलेज को, क्योंकि पूरा कॉलेज तो अभी हम घूम नहीं रखे हैं। और कुछ ये बात है, ये नीचे आपको दिख रहा है, ये है बीए ग्राउंड। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हुई रहती है जब कॉलेज खुला रहता है। आप यहाँ साइड पर एक फोटो देख सकते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ आपको बीए ग्राउंड में दिख रही होगी, लेकिन अभी देखिए कितना ज़्यादा खाली हो रखा है बीए ग्राउंड। तो ये सब हुआ है कोरोना की वजह से। और ये हिमांशु भाई हेलो भाई, घर नहीं जाना कॉलेज बंद वगैरह? हाँ यार, तो पूछ रहे हम घर भी जाना। क्या बंद हमेशा रे 2022 में तो वही मिली अनके खर्चो तो फरवरी बाद दिया ना तुम जगह चुनाव के बोलता वही बात जान पता कैसे क्या हुआ बंद के ना अभी ऐसा कुछ नहीं बोल रहे सिर्फ ऐसा बोल रहे ऑनलाइन चले क्लासेस और मोमेंट नेट नहीं चल रहे। तो यार फिलहाल कॉलेज से आ चुके हैं वापस, कॉलेज तो बंद हो चुके हैं। अभी रूम पर चलते हैं और देखते हैं कि घर जाने का प्लान बनता है या नहीं बनता है। गाड़ी वाले को फोन कर दे, बुकिंग में गांव से दोनों भाई तो शायद कल निकल जाएंगे घर के लिए, लेकिन मैं शायद 2-4 दिन बाद निकलूंगा। कॉलेज से आने के बाद खाना खा लिया है और अभी ग्राउंड जा रहा हूँ मैं, और मेरे साथ दोनों भाई हैं। अभी आज क्या है कि थोड़ा जुकाम, बहुत ज़्यादा तेज जुकाम लगा हुआ है, तो मेरे नाक में काफ़ी दर्द हो रहा है, तो इसलिए आज रनिंग नहीं करूँगा। लेकिन आज बैडमिंटन खेलते हैं, क्योंकि आजकल हम डेली बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा बैडमिंटन खेलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसे मज़ा आता है बैडमिंटन खेलने में। और चीज़ दिखाते हैं कि आजकल, क्योंकि ग्राउंड में पुलिस की तैयारी कर रहे हैं लड़के लड़कियां, तो वो भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं लड़के लड़कियां। तो आपको पता ही होगा जैसे कि आजकल पुलिस की भर्ती आ गई है, तो इस वजह से आजकल ग्राउंड में काफ़ी भीड़ है। और आपको ये भी दिखाता हूँ मैं कि हम बैडमिंटन कैसे खेलते हैं, और ये भी दिखाता हूँ कि पुलिस की भर्ती है तो नौजवानों में कितना ज़्यादा जोश है। ये हमारे भरत भाई। और सब बढ़िया भाई? यार तो अब भरत लॉन्ग जंप मारेगा। शाबाश भरत। या जो सवाल। तो यहाँ पर अभी बैडमिंटन का गेम चल रहा है। तो यार ये है नेक्स्ट डे, और आज मौसम आप देख सकते हैं पीछे बिल्कुल पैक हो रखा है और आसमान में बादल लगे हुए हैं। कल तक बढ़िया सी धूप थी और फिर से अभी बारिश लग चुकी है। सामने पे एक बंदर जा रहा है और छतों में अभी बंदर जा रहे हैं।
बारिश हल्की हल्की लग रही है अभी, लेकिन थोड़ी देर में शायद और तेज हो जाएगी। और मौसम बिल्कुल पैक हो चुका है, ऊपर आप बादल देखिए, काले काले बादल, जबकि कल तक आसमान बिल्कुल साफ था। और एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, लाइब्रेरी बंद हो चुकी है हमारे कॉलेज की, तो इस वजह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब अपने रूमों में हैं और कोई घर चले गए हैं, और ज्यादातर जो मेरे दोस्त थे वो घर चले गए हैं, तो मैं यहाँ बच गया हूँ अकेला। भले ही जैकेट भाई यही है, मैं यही हूँ, लेकिन लगभग श्रीनगर खाली होने लग गया है। जैसे पिछली बारी लॉकडाउन में हुआ था वैसे ही अभी हाल होना शुरू हो चुका है। हो सकता है कि एक दो दिन के बाद मैं भी घर चले जाऊं, लेकिन अभी कुछ काम है यहां तो उनको निपटाऊंगा और उसके बाद घर चले जाऊंगा, यानी कि गांव चले जाऊंगा। और हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं धीरे धीरे कि कोविड की वजह से फिर से वही वाली सिचुएशन हो रही है जो स्थिति 2020 और 2021 में हुई थी, वही फिर से रिपीट हो रहा है और लॉकडाउन जैसे सिचुएशन बन रही है। अभी फिलहाल इलेक्शन है तो इस वजह से शायद लॉकडाउन नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन समाप्त हो जाएंगे फिर से लॉकडाउन लग सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। लेकिन देखते हैं कि लॉकडाउन लगता है या नहीं लगता है। और यार जितने भी HNB वाले स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, कैंसिल नहीं कह सकते इन्हें, बल्कि अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन हुए हैं। एग्जाम बाद में हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, इस बार देखते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होते हैं या सीधे कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। अगर आप काफी दूर से हैं, यानी कि साउथ से हैं या फिर उत्तर प्रदेश बिहार से हैं, और आप कॉलेज आने की सोच रहे हैं, यानी कि HNB गढ़वाल आने की सोच रहे हैं एग्जाम की वजह से, तो कृपया मत आइए क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, आपको ये बता देता हूं। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, sachinkathai01 मेरी ID है। और इस वीडियो को आप इतना ही रखते हैं, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती है इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो तो वो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप जितनी जल्दी कमेंट करेंगे मैं उतनी जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।